दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट ईवीएस के यूनिट फर्स्ट पर्यावरण अध्ययन का परिचय के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो इसमें हमें बताना है पर्यावरण के जो मुख्य घटक है वो क्या क्या है, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना है, अंतर बताना है वायुमंडल और स्थलमंडल, जलमंडल और जैवमंडल के बीच में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन को समझाइए। तो इसमें हमें पर्यावरण के बारे में हम जितना भी कुछ पढ़ा है हमने वो सारी बातें हमें इस क्वेश्चन के अंदर लिखनी है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल क्या है, वायुमंडल की परतों को समझाइए। तो इसमें वायुमंडल और उसकी परतों के बारे में बताना है, जो उसकी 5 परतें ना उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको इन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है हमारी ईवीएस की वीडियोस में मिल जाएंगे, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स आप हमें हमारी सोशल साइट जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर तो जरूर कीजिए।